हेलो फ्रेंड्स, मैं रविंदर कुमार। अभी मेरे इस यूट्यूब चैनल आर के आर ग्राफिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एडोबी पेज मेकर 7.0 में स कैसे लिखते हैं। एक दोस्त का कमेंट आया है, देखिए इनका नाम है प्रेम सिंह। इनका कमेंट है, सर पेज मेकर 7.0 में सलगम वाले स और षटकोण वाले स टाइप कैसे करते हैं। दोनों स को पेज मेकर में टाइप करने के लिए करना पड़ता है एक सेटिंग। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेज मेकर में दोनों स को टाइप करने के लिए कैसे करते हैं सेटिंग। प्रेम सिंह जी, सबसे पहले आपको मेरा वीडियो देखने और कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी का पेज मेकर में सॉ टाइपिंग का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल कर दीजिए और भी इस तरह का नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं अपने डेस्कटॉप पे एडोबी पेज मेकर 7.0 का शॉर्टकट आइकन रखे हैं, इसे करेंगे ओपन। पेज मेकर ओपन होने के बाद कुछ भी टाइप करने के लिए एक पेज बनाना पड़ता है। पेज बनाने के लिए मेनू बार में जाएंगे, फाइल पर क्लिक करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट सेटअप का डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। उसके बाद यहाँ से एक पेज सेलेक्ट करेंगे A4 साइज का और इसे करेंगे ओके। ये देखिए A4 साइज का पेज बन जाएगा इस तरह से। अब इस पेज में हिंदी में कुछ टाइप करेंगे। टाइप करने के लिए टूल बॉक्स में जाएंगे, टेक्स्ट टूल को लेंगे और यहाँ कर्सर रखेंगे। उसके बाद कंट्रोल पैलेट में देखेंगे, फॉन्ट शो होगा। दोस्तों, ये कंट्रोल पैलेट आपके पेज मेकर में शो नहीं होगा, तो इसे लाने के लिए विंडो में जाएंगे, शो कंट्रोल पैलेट पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल पैलेट आ जाएगा। अभी देखिए इंग्लिश का फॉन्ट शो हो रहा है, अभी टाइप करेंगे तो इंग्लिश में टाइप होगा। हिंदी में लिखने के लिए हिंदी का फॉन्ट होता है कुर्तीदेव। यहाँ से मैं देखिए कुर्तीदेव फॉन्ट को सेलेक्ट करता हूँ, कुर्तीदेव 20 फॉन्ट को सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद इसका साइज यहाँ शो करेगा, साइज बढ़ाएंगे, यहाँ से साइज कर देता हूँ 72 पॉइंट। अब टाइप करेंगे कीबोर्ड से तो हिंदी में टाइप होगा। मैं लिखता हूँ यहाँ मेरा नाम शेषनाथ। देखिए दोस्तों, मैं कीबोर्ड से टाइप किया मेरा नाम शेषनाथ, मेरा नाम टाइप हो गया। शेषनाथ के फर्स्ट वाले स और सेकंड वाले स के जगह 0 टाइप हुआ। दोस्तों, अब मैं कीबोर्ड से आपको बटन दिखाता हूँ कौन से बटन से दोनों स को लिखते हैं। ये देखिए दोस्तों, कीबोर्ड के इंटर के बगल वाले बटन को दबाते हैं तो सलगम वाला स टाइप होता है, शिफ्ट के साथ इसी बटन को दबाते हैं षटकोण वाला स टाइप होता है। लेकिन अभी मैं इसी बटन को दबाया तो देखिए 0 टाइप हुआ है। अब मैं इस फॉन्ट को भी चेंज करके आपको दिखा देता हूँ, इसे करेंगे सेलेक्ट। अब यहाँ से मैं दूसरा कोई फॉन्ट सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं कुर्तीदेव 10 फॉन्ट को सेलेक्ट करता हूँ, फिर भी देखिए 100 नहीं बना। दोस्तों, यही प्रॉब्लम होता है बहुत सारे दोस्तों को हिंदी टाइपिंग करते समय पेज मेकर में। दोस्तों, ये दोनों सौ टाइपिंग प्रॉब्लम को दूर करने के लिए करना पड़ता है एक सेटिंग। दोस्तों, ध्यान देंगे, सेटिंग करने के लिए मेन्यू बार में जाएंगे, फाइल पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे प्रेफरेंस, उसके बाद दिखेगा आपको जर्नल, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रेफरेंस का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे एक मोर का ऑप्शन दिखेगा आपको, इस पर करेंगे क्लिक। यहाँ देखेंगे दो ऑप्शन दिखेगा आपको, फर्स्ट वाला ऑप्शन अनचेक है, दूसरे वाला देखिए चेक है, यूज टाइपोग्राफर्स कोट्स, इसको करेंगे यहाँ से अनचेक। उसके बाद हिंदी टाइपिंग करते समय दोनों स को लिख पाएंगे बिल्कुल आसानी से। देखिए मैं यहाँ से करता हूँ अनचेक, इस पर क्लिक करेंगे, अनचेक हो जाएगा। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे, फिर से ओके कर देंगे। अब टाइप करेंगे तो दोनों स टाइप होगा, सलगम वाले स और षटकोण वाले स दोनों स बिल्कुल आसानी से टाइप होगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा टाइपिंग करते समय। देखिए मैं अब आपको टाइप करके दिखाता हूँ। कर्सर को रखेंगे यहाँ, इंटर प्रेस करेंगे। अब मैं टाइप करता हूँ मेरा नाम शेषनाथ। देखिए इंटर के बगल वाले बटन को दबाएंगे, सलगम वाला आधा सौ बनेगा। उसके बाद के बटन को दबाएंगे, आकार का मात्रा देखिए पूरा सौ हो गया। अब षटकोण वाले सौ लिखने के लिए शिफ्ट के साथ इसी बटन को दबाएंगे, आधा षटकोण वाले सौ बनेगा। फिर से के बटन को दबाएंगे, पूरा षटकोण वाले सौ बन जाएगा। उसके बाद नाथ,
ये देखिए दोस्तों, सेटिंग करने के बाद बिल्कुल आसानी से दोनों सौ टाइप हो गया। इस तरह से हिंदी टाइपिंग करते समय सौ लिखने में आपको प्रॉब्लम होगा तो उस ऑप्शन को करेंगे अनचेक। दोस्तों पेज मेकर में हिंदी टाइपिंग करते समय सौ लिखने के लिए यही एक छोटा सा एक बार सेटिंग करना पड़ता है के बाद आप बिल्कुल आसानी से हिंदी टाइपिंग करते समय दोनों सौ को लिख पाएंगे, सलगम वाले सौ और षटकोण वाले सौ को। दोस्तों उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे पेज मेकर में हिंदी टाइपिंग करते समय दोनों सौ को कैसे लिखते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।